हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जनरल एनालिसिस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बाबा वैद्यनाथ धाम के बारे में, जो कि झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने यहां का दौरा किया है और उन्होंने टोटल 16,800 करोड़ के लागत से बनने वाले 25 प्रोजेक्ट का शिलान्यास और अनावरण किया है। और उनके देवघर आने पर वहाँ के लोगों ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। इसके साथ ही वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने बाबा वैद्यनाथ धाम का दौरा किया है और वहाँ पर उन्होंने लगभग 400 करोड़ के लागत से निर्मित एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उसके बाद बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना भी की और उनके द्वारा देवघर में उद्घाटन किए गए प्रोजेक्ट का एक वीडियो भी है, आप एक बार उसे देख लीजिए। आज मिलने जा रहा है झारखंड को 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकासमयी परियोजनाओं का उपहार। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। सावन में बड़ी संख्या में भोले बाबा के भक्त देश विदेश से यहां जुटते हैं, जिनकी यात्रा को और सुविधाजनक बनाने हेतु यहां एयर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए देवघर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। करीब 654 एकड़ क्षेत्र में फैला और 400 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित देवघर एयरपोर्ट रांची के बाद झारखंड राज्य में दूसरा एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्र में नए निवेश के अवसर बनेंगे, खनिज संपदा से समृद्ध इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। बाबा धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों और कांवड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित परिसर बनकर तैयार हो गया है। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत 39 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा इस परिसर को और सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाया गया है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को अभूतपूर्व अनुभव मिलेगा। अब हम लोग थोड़ा बाबा वैद्यनाथ धाम के बारे में जान लेते हैं। तो यह भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह जुलाई अगस्त के आसपास सावन महीने में लगने वाले श्रावण मेला के लिए फेमस है। इसके साथ ही यह जगह कांवरियों के लिए भी फेमस है, जिसमें श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर आकर शिव जी पर जल अर्पित करते हैं। और इस मंदिर से जुड़े कुछ मैथोलॉजिकल कहानियाँ भी हैं, जैसे कि एक बार रावण भगवान शिव को खुश करने के लिए जाप कर रहे थे, लेकिन कई दिनों के तपस्या के बाद जब कोई परिणाम नहीं निकला तो उन्होंने एक एक करके अपने 9 सिर काट कर शिव जी को अर्पित कर दिए। और जब वह 10वां सिर काटने वाले थे तो शिव जी प्रकट हुए और उनके इच्छा को पूरा किए। इसके साथ ही शिव जी ने रावण के सर को वापस से जोड़ दिया और इस तरह से उन्होंने एक वैद्य का धर्म निभाया। इसलिए कहा जाता है कि इस जगह पर बने मंदिर को बाबा वैद्यनाथ नाम दिया गया है। और यदि हम लोग इस मंदिर के इतिहास को देखें तो इसका निर्माण 1596 में राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था, जो कि गिद्धौर के महाराजा थे। और इस डायनेस्टी का स्थापना 1266 ईस्वी में राजा वीर विक्रम सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि प्राइमरीली मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से झारखंड बिहार के बॉर्डर वाले क्षेत्र में आए थे और वहाँ के लोकल नागौरिया लीडर को हराकर अपने राज्य की स्थापना कर दिए थे। वैसे ये लोग चंदेल राजपूत थे जिन्होंने गिद्धौर पर 6 सेंचुरी से ज़्यादा समय के लिए शासन किए थे। और इस डायनेस्टी के 9वें राजा बने राजा पूरनमल, जिन्होंने देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर के कुछ पुराने तस्वीरों को देखें तो 1782 में विलियम होडजे के द्वारा ऑयल एंड कैनवास पेंटिंग बनाया गया था। और दूसरी इमेज को देखें तो 1872 के आसपास जोसेफ डेविड बैगलर ने इस मंदिर का तस्वीर लिया था। और वर्तमान में देखें तो इस मंदिर में काफ़ी परिवर्तन आ गया है, जिसमें कि काफ़ी सारे सुविधाओं का भी विकास किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और यदि आप लोगों ने वीडियो को पूरा अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।